बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सुरमई फिश। ये फिश जो है ये कांटे वाली है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अब कांटे वाली फिश भी मिलना शुरू हो गई है। बोनलेस तो हम लाते ही थे, लेकिन अब हम ये वाली भी लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि नॉर्मली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में लोग ये वाली फिश पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपको ये बता दूँ। तो ये हमने लेके इसको इस तरह से काट लिया है, और इसको आप मतलब ये हम ये काट के वो लोग देते हैं। आप इससे मोटी रखना चाहते हैं, इससे मोटी रख लीजिए। तो ये हमने तकरीबन 1 किलो सुरमई फिश ली है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो ये मैंने ली है कलौंजी और अजवाइन, ये दोनों मिला के 1 टीस्पून है। लाल मिर्चें हैं पिसी हुई, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून है। लहसुन है 1 टेबल स्पून। सिरका जो है वो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। नमक हस्बे जायका है। इसी तरह बेसन भी 4 से 5 टेबल स्पून है। जीरा जो है वो भी हम 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून जाएगी, काली मिर्च भी 1 टीस्पून जाएगी, और ये है कसूरी मेथी, ये भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून जाएगी। तो इसमें कुछ मसाले मैं साथ मिला के पीस लूंगा, ताकि वो उसमें जब हम मसाला लगाएं तो हमारे लिए इजी हो जाए, और कुछ चीज़ें मैं इसमें डायरेक्ट डाल दूंगा। तो जो चीज़ें अब हमें इसके अंदर पीसनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि कुछ मसाले जो है वो मैं सूखी मशीन में पीस लूंगा। तो ये मैंने इसमें डाली कलौंजी और अजवाइन, और ये मैंने डाला कसूरी मेथी, और काली मिर्च मेरी ऑलरेडी पीसी हुई है, लेकिन मैं इसमें फिर भी डाल रहा हूँ ताकि ये मुझे पीसने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा मसाला है, तो इस वजह से मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको पहले बारीक पीस लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। इसको इस तरह से आपने बारीक कर लेना है, तो ये फिर एक तो तेल में नहीं आएगा, जो उसका दाना होता है उससे आपका तेल ख़राब नहीं होगा, और अब इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू फिश में आती है। अब मैं आपको इसमें मसाला डाल के दिखाता हूँ। ये जो हमने लाल मिर्ची रखी थी, ये लाल मिर्ची हम डालेंगे। हल्दी हमने इसमें डाली, हल्दी ज़्यादा डलती है क्योंकि उससे जो है उसकी स्मेल कम होती है। ये हमने इसमें नमक डाला, नमक हसबे जायका है। लहसुन हमने डाला इसमें, जीरा पाउडर, अब हमने ये सिरका डाला इसमें, बेसन डालेंगे हम। बेसन आपने इतना डालना है कि वो मसाले को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दे, फिर आप उसको कम ज्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और ये जो हमने मसाला पीसा था अभी, ये पहले हम कम डालेंगे, फिर हम फिश को पहले मिक्स करके देख लेंगे, फिर जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से उसको बढ़ा देंगे। तो ये मैं मिक्स करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए आप, एक एक पीस के अंदर मैं अलग से सारा जो है वो मसाला लगा रहा हूँ, और ये मैं आपको दिखा दूँ कि जो थोड़ा थोड़ा सा मैंने रोका था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया। जो वो था अजवाइन था, कलौंजी का जो मैंने पीस के रखा था, कसूरी मेथी और वो, और बेसन, और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च रोकी थी, लेकिन फिर जब मैंने उसको टेस्ट किया तो मुझे लगा लाल मिर्च थोड़ी सी और होनी चाहिए, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, फिश का ये है कि आप इसको खूब अच्छे से मसाला ऐसे मसाज करें इसका, तो उससे ये होता है कि फिश बहुत अच्छा से मसाला को पी जाती है, और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी फिश बनेगी। तो बस अब हम इसको मसाला हमने लगा दिया है, सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल प्रॉपर लग गई हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए या हाफ एन आवर के लिए अब इसको रख देंगे, ऐसी इसी तरह से छोड़ देंगे ढक के, और फिर जब ये मुझे लगेगा कि अब ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए, तो मैं फ्राई करूंगा और आपको दिखाऊंगा। हमने फिश को मसाला लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब फिश देख लीजिए आप, इसने बिल्कुल मसाला पी लिया है, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। इधर हमने तेल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल जो है ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो आपने इसको जो है वो नॉर्मली तेज आँच पे ही तलनी होती है फिश जो है, तो इसका मैंने चूल्हा अभी मीडियम, पहले हाई पे रखा हुआ था, अब मुझे लगा कि तेल गर्म हो चुका है तो मैंने मीडियम कर दिया है। अब मैं इसमें एक एक पीस डालूंगा, और इसको हमने अच्छा सा फ्राई करना है, क्योंकि फिश जितनी अच्छी फ्राई होगी आपको उतना मजा आएगा इसको खाने में। तो और इसको डीप फ्राई करते हैं, तो अब हम इसको फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अब ये हमें इसको एक साइड फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट से ज़्यादा हो गए, तो अब मैं इसको पलट दूंगा इस तरह से। ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो रही है,
इसको हम इस तरह से पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाए। और इसको किस क्रिस्पी फ्राई करेंगे, ये देखें। तो जब मैं अब इसको डिश आउट करूँगा तो फिर आपको दिखाऊंगा। अब मैं इसको इस स्टेज पे निकाल लूँगा क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखें। इसको हम इस तरह से करके निकाल देंगे। मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्रिस्पी करता हूँ। अगर आपको लाइट क्रिस्पी पसंद है आप इसको लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा क्रिस्पी करेंगे तो ये और मज़े की लगेगी। ये देखिए, ये हमने फ्राई करके निकालिए। अब मैं इसमें दूसरा बैच डालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें दूसरा बैच डाल दूंगा। चूल्हा मैंने जो है वो फुल से अब इसको मीडियम कर दिया। यह फिश जो है वो रेडी है। इसको हम लाल चटनी के साथ या पुदीने हरे धनिए की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और हम इसके साथ नॉर्मली वैसे दाल चावल बनाते हैं, उसके साथ खाते हैं। ये बहुत मज़ा आता है सब खाने का। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अंदर से कितनी वाइट बिल्कुल होती है। ये देखिए, बस ये कि इसमें कांटे होते हैं तो उसको ज़रा एहतियात से खाना होता है। तो ये बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसको बनाइए, खाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। और हमारी अगली रेसिपी का इंतज़ार कीजिए। हम अगली रेसिपी के साथ फिर आपके साथ सामने आते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।